नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग अपनी एक बेहतरीन क्लास किसकी बाल विकास की करते हैं। साथियों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट को लेकर एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है। सिलेक्शन बैच के अंतर्गत आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे साथियों एक क्लास आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की क्लास सुबह जो कि 10 से 11 बजे के आसपास दी जाती है, और दूसरी क्लास एक साथियों 2 से 3 बजे के आसपास आप लोगों को इसी को टारगेट करते हुए हिंदी की क्लास आप लोगों को दी जाती है साथियों, और तीसरी क्लास एक आप लोगों को सामाजिक विज्ञान से हिस्ट्री या ज्योग्राफी की कोई ना कोई एक क्लास आप लोगों को प्रत्येक दिन यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए दी जाती है। तो साथियों, आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। इसके बाद क्लासों में साथियों आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, क्लास कैसी लगती है, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दिया करिए। और साथियों, एक बेहतरीन क्लास चल रही है, इस क्लास के अंतर्गत साथियों आपके सिलेबस को बेहतरीन तरीके से पूरा कराया जाएगा। टारगेट यह किया जा रहा है कि जो आपका सी टेट का एग्जाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उस एग्जाम से पहले, उस एग्जाम के होने से कम 15 दिन पहले आपके सिलेबस को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद फिर हम लोग 10 से 15 दिन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की, किसकी क्वेश्चन की, जो कि पिछले एग्जाम में बार बार जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, या तो पिछले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। ठीक साथियों, या तो फिर जैसा आप कहेंगे मिक्सअप करके बोलेंगे, तो मिक्सअप करके भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक साथियों, तो आप लोग अपना सहयोग इसी तरीके से अपने चैनल पे बनाए रहिए साथियों। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों तक क्लासें पहुंच जाए। तो साथियों, बाल विकास की क्लास में हम लोग किसकी कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और पियाजे, किसकी पियाजे की, कोहलबर्ग की और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें साथियों हम लोग वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने अच्छे से विस्तृत चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग साथियों कोहलबर्ग के सिद्धांत अर्थात कोहलबर्ग थ्योरी के बारे में चर्चा करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, हम लोग आज की क्लास में कोहलबर्ग का सिद्धांत अर्थात कोहलबर्ग थियोरी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके, कोहलबर्ग थियोरी के बारे में हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। तो साथियों, अगर हम लोग कोहलबर्ग थियोरी की बात करें, तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास का जो सिद्धांत प्रस्तावित किया है, वह पियाजे के शोध कार्यों पर आधारित है। कोहलबर्ग ने साथियों जो विकास के सिद्धांत को प्रस्तावित किया है, तो इनका कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है साथियों, यह जीन पियाजे के शोध कार्यों पर ही क्या है, आधारित है। पियाजे के विपरीत कोहलबर्ग ने तीन स्तर को नैतिक विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित किया है। पियाजे के अगर विपरीत की बात करें साथियों, तो कोहलबर्ग ने पियाजे के विपरीत अगर बात करें तो कोहलबर्ग ने साथियों तीन स्तरों को नैतिक विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित किया है, और प्रत्येक स्तर की बात करें साथियों, तो प्रत्येक स्तर पर दो दो अवस्थाओं की भी कल्पना की गई है। जो प्रत्येक स्तर इन्होंने दिया है, पियाजे के विपरीत कोहलबर्ग ने जो प्रत्येक स्तर दिया है, तीन स्तर दिया है, उन तीनों स्तर के प्रत्येक स्तर में साथियों क्या दो दो क्या दिया है साथियों, दो दो अवस्थाओं को इन्होंने बताया है। कोहलबर्ग के अनुसार साथियों नैतिक विकास सार्वभौमिक जो है वो क्या है, गोचर है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सार्वभौमिक गोचर है, क्योंकि सामाजिक प्राणी बनने के लिए मान्य व्यवहार संहिता को आत्मसात करना ही पड़ता है, ऐसा कोहलबर्ग ने कहा। कोहलबर्ग ने साथियों बच्चों के सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न करके उनकी प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। कोहलबर्ग ने साथियों बच्चों के सामने धर्म संकट जैसी स्थिति, कभी कभी प्रत्येक व्यक्ति के सामने, प्रत्येक बच्चे के सामने, प्रत्येक बालक के सामने कैसे धर्म संकट जैसी स्थिति, मतलब बेहद विपरीत, बेहद प्रतिकूल स्थिति पैदा हो जाती है, तो कोहलबर्ग ने साथियों ऐसी स्थिति, बच्चों के सामने ऐसी स्थिति अर्थात धर्म संकट जैसी स्थिति को उत्पन्न करके भी बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही, उसे भी उन्होंने प्राप्त किया। जैसे मित्र की जान बचाने में खतरा है,
क्या फिर भी उसकी सहायता की जाए? जैसे अगर बात किया जाए तो कभी कभी ऐसी, इन्होंने एग्जांपल दिया, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई मित्र है उसकी जान बचाना भी खतरा है, मित्र की जान बचाना भी क्या है, खतरा है। तो उसी चीज़ को इन्होंने यह कहा कि अगर खतरा है तो क्या उसके बावजूद भी मित्र की हमें सहायता करनी चाहिए या नहीं चाहिए करनी चाहिए, ये भी एक क्या है, धर्म संकट के अंतर्गत आता है। तो कोहलबर्ग ने साथियों सिद्धांत के मॉडल के स्तर को, कुछ स्तर को इन्होंने बताया। उस स्तर के अंतर्गत अगर बात करें साथियों तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा स्तर बताया, पूर्व नैतिक स्तर। कौन सा? पूर्व नैतिक स्तर सबसे पहला स्तर इन्होंने बताया, पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर की अगर बात करें साथियों तो साथियों यह प्रारंभिक स्तर है, इसमें उचित अनुचित का ज्ञान व्यवहार के प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर होता है। साथियों इसमें उचित अनुचित का ज्ञान, इसमें उचित अनुचित का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान, साथियों जो पूर्व नैतिक स्तर होता है इसमें उचित अनुचित का ज्ञान जो होता है, यह व्यवहार के प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया, व्यवहार के प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया, दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर होता है, के आधार पर होता है। साथियों पूर्व नैतिक जो स्तर होता है इसमें क्या होता है कि उचित अनुचित का ज्ञान जो होता है, पूर्व नैतिक प्रतिक्रिया जो होती है इसमें हम उचित अनुचित का जो साथियों ज्ञान करेंगे वो कैसे करेंगे, व्यवहार के प्रति दूसरों की क्या प्रतिक्रिया है, अर्थात मैं जो बिहेव कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जो बिहेव कर रहा हूँ उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके आधार पर हम इसमें उचित और अनुचित का ज्ञान कर पाते हैं। यही चीज़ें इसमें बताया गया है। इसकी भी साथियों दो अवस्थाएँ हैं, पूर्व नैतिक स्तर की भी दो अवस्थाएँ हैं। कौन कौन सी? पहली है साथियों आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसकी अगर बात करें साथियों, किसकी? आज्ञा एवं दंड की अवस्था की अगर बात करें साथियों तो साथियों यह जो अवस्था होती है, यह अवस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चे व्यवहार या कार्य की वांछनीयता मिलने वाले प्रतिफल से निर्धारित करते हैं। साथियों इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो व्यवहार या कार्य की क्या वांछनीयता है, वांछनीयता क्या है, व्यवहार और कार्य की वांछनीयता को साथियों बच्चे कैसे क्या करते हैं, मिलने वाले प्रतिफल से निर्धारित करते हैं। मतलब कोई किसी भी व्यवहार में जो वांछनीय होता है उस वांछनीयता से साथियों उन्हें प्रतिफल क्या मिला, मतलब प्रतिउत्तर क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, उससे वो उस चीज़ को क्या करते हैं, निर्धारित करने का काम करते हैं। साथ ही साथ साथियों यदि वे अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनकी प्रशंसा होती है तथा वे दंड से बचते हैं। इसके विपरीत अवज्ञा करने पर उनकी हंसी उड़ाई जाती है तथा दंडित भी किया जाता है। दंड और आज्ञा की बात यह है, यहाँ पे यह कहा गया साथियों, कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चे जो होते हैं यदि अपने बड़ों से, यदि अपने से बड़ों के लोगों की आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या होता है साथियों, उनकी प्रशंसा होती है और वो दंड से बचने का भी कार्य उन्हें किया जाता है, दंड से वो बचते हैं। लेकिन अगर वही वो अपने से बड़ों के अगर आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो बच्चों की क्या हंसी उड़ाई जाती है और उनका उपहास लिया जाता है साथियों, और उसी के बाद उन्हें दंडित किए जाने का भी कार्य किया जाता है। क्या किए गए? दंडित किए जाने का भी कार्य किया जाता है। साथियों अगर बात करें तो इस ऐसी स्थिति से, ऐसी जो उन्हें क्या प्रतिफल, ये क्या मिला, ये उन्हें प्रतिफल मिला। प्रतिफल का मतलब यही चीज़ है कि उन्हें रिजल्ट क्या मिला,
उन्हें रिजल्ट क्या मिला। तो ये जो प्रतिफल मिला साथियों, इस प्रतिफल से यह स्पष्ट होता है कि नैतिक विकास की इस अवस्था में नैतिकता की अवधारणा के विकसित होने से होने में पुरस्कार एवं दंड की ही विशेष भूमिका होती है। तो इसे हम यह लिख सकते हैं कि नैतिक विकास की इस अवस्था में नैतिक विकास की इस अवस्था में अगर हम साहित्यिक भाषा में बात करें तो नैतिक विकास की साथियों यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में नैतिकता की अवधारणा के विकसित होने में नैतिकता की अवधारणा विकसित होने में विकसित नैतिकता की अवधारणा विकसित होने में पुरस्कार एवं दंड की ही विशेष भूमिका होती है। विशेष भूमिका होती है क्या होती है साथियों? विशेष भूमिका होती है। ये जो साथियों आज्ञाओं दंड की अवस्था होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों कि नैतिकता विकास की इस अवस्था में, यह अवस्था जो है ये क्या है, नैतिकता विकास की अवस्था है, नैतिक विकास की अवस्था है। तो नैतिक विकास की इस अवस्था में साथियों नैतिकता की अवधारणा विकसित होने में पुरस्कार और दंड की ही विशेष भूमिका होती है। दूसरा साथियों इसमें इसी में पूर्व नैतिकता स्तर में ये पहला लेवल है। दूसरी अवस्था को जो इन्होंने बताया वो बताए अहं केंद्रित की अवस्था, अहं केंद्रितता की अवस्था, अहं केंद्रितता, अहं केंद्रितता, केंद्रितता की अवस्था। अहं केंद्रितता की अवस्था जो होती है साथियों, इसकी अगर बात करें तो साथियों इस अवस्था में बच्चे में कुछ न कुछ समझ आ जाती है। ये जो अहं केंद्रितता होती है साथियों, बच्चे में कुछ न कुछ समझ आ जाती है। बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, चीज़ें सीखते सीखते मैच्योर होने की स्थिति में होता है। साथियों अगर बात करें तो वे वस्तुओं एवं घटनाओं, कार्यों एवं मान्यताओं के बारे में सोचना प्रारंभ करता है, फिर भी उसके व्यवहार तथा कार्यों पर उसकी आवश्यकताओं का ही प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। बच्चे अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं और उनकी पूर्ति के लिए अवांछनीय व्यवहार भी करते हैं। इस अवस्था में साथियों क्या करते हैं, बच्चे अपनी इच्छा को, इस अवस्था में साथियों बच्चे अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं, और उसके लिए साथियों सर्वोपरि मानते हैं और उसकी पूर्ति के लिए, अवांछनीय व्यवहार भी करते हैं, क्या करते हैं साथियों। अहं केंद्रितता में क्या होता है साथियों, मुख्य तौर पे कि बच्चे अपनी इच्छा, अपने बच्चों की जो इच्छा होती है उसे क्या मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, और अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए साथियों अवांछनीय व्यवहार भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक साथियों, अब साथियों अगर बात करें तो कोहलबर्ग ने जो साथियों तीन स्तर नैतिकता के विकास का जो तीन स्तर बताया, उसमें पहला स्तर क्या है, पूर्व नैतिक विकास की बात। पूर्व नैतिक विकास के अंतर्गत दो अवस्थाओं को हम लोगों ने जाना। अब साथियों जो दूसरा स्तर होता है पूर्व नैतिकता के बाद, जो दूसरा स्तर होता है वो क्या होता है, पारस्परिक भूमिका अनुरूपता स्तर, पारस्परिक भूमिका
अनुरूपता स्तर, अनुरूपता स्तर, पारस्परिक भूमिका अनुरूपता स्तर की बात करें साथियों, तो इस स्तर में कौन सी, इस स्तर में अगर बात करें साथियों, तो इस स्तर तक पहुंच जाने पर बच्चे में सामाजिक प्रत्याशाओं, क्या इस स्तर तक जब पहुंचता है, पारस्परिक भूमिका के स्तर तक जब बच्चा पहुंचता है साथियों, तो इस दौरान बच्चे के अंदर क्या होता है, सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं, साथ ही साथ मान्यताओं में रुचि दिखाई पड़ने लगती है। कौन सी चीज़ें, कौन सी संस्कृति, कौन सी बात हमें माननी है नहीं माननी है, चीज़ों की मान्यताओं में क्या बालक की रुचि भी दिखाई पड़ने लगती है। और अगर बात करें साथियों, तो बच्चे सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रख कर व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। बच्चा जो भी कार्य करता है उस दौरान वह इस चीज़ को वह जरूर ध्यान रखता है कि समाज हमें यह कार्य करने में दंड देगा या पुरस्कृत करेगा, अर्थात समाज की जो मर्यादा होती है उसे वह बनाए रखते हुए कोई भी कार्य करने का काम करता है। साथियों, उसमें अहं केंद्रितता की भावना भी घटती है। इसमें भी इसकी भी दो अवस्थाएं हैं, इस स्तर की साथियों भी क्या होती हैं, कुछ दो अवस्थाएं इसकी भी मानी गई हैं। कौन कौन सी, पहली अवस्था होती है साथियों प्रशंसा की अवस्था। कौन सी पहली जो अवस्था होती है वह कौन सी अवस्था होती है, प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा के अवस्था की अगर बात करें साथियों, तो इस अवस्था में बालक साथियों व्यवहार सामाजिक प्रशंसा, इस अवस्था में बालक इस अवस्था में साथियों बालक क्या करता है, बालक का व्यवहार सामाजिक प्रशंसा एवं अनुमोदन द्वारा अधिक प्रभावित होता है तथा वह इसके लिए सक्रिय प्रयास भी करता है। मतलब बालक यह प्रयास करता है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जाए, जो यह प्रशंसा की अवस्था होती है साथियों, इस अवस्था में बालक यह प्रयास करता है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है या जो भी कार्य किया जाए वह प्रशंसा के योग्य हो। और साथियों अनुमोदन का मतलब यह है कि लोगों का उसमें क्या हो, लोगों का उसमें अनुमोदन मिले, अर्थात यह कहें लोग कि हाँ आपने यह जो कार्य किया वो काफ़ी नेक कार्य है, काफ़ी अच्छा कार्य आपने किया। तो इसी के वह क्या करता है साथियों, इसी के लिए वह जो भी कार्य करता है वह इसी के लिए कार्य करता है और इसका वह साथियों क्या करता है, प्रयास भी करता है। ठीक साथियों, क्या करता है, इसके लिए वह प्रयास भी करता है, प्रयासरत रहता है। और अगर बात करें साथियों, तो दूसरी जो अवस्था होती है सामाजिक अनुरूपता की अवस्था होती है। प्रशंसा के बाद इसमें दूसरी अवस्था होती है सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक अनुरूपता की अगर बात करें साथियों, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि विकास की चौथी अवस्था में प्रवेश करने पर बालक वयस्क हो चुका होता है। जब बालक सामाजिक हो जाता है, सामाजिक अनुरूपता की अवस्था में बालक जब प्रवेश करता है साथियों, तो उस दौरान यह माना जाता है कि बालक अब क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, वयस्क हो चुका है, वयस्क हो चुका है। अतः साथियों उसमें चिंतन, संज्ञान तथा योग्यता का विकास हो चुका होता है। इसमें साथियों बालक के अंदर चिंतन का विकास, साथ ही साथ अगर बात करें तो उसमें संज्ञान का, बालक संज्ञान भी हो चुका होता है, चीज़ों को समझने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें सोचने समझने की क्या होती है साथियों, योग्यता का भी विकास हो चुका होता है। साथियों वह तर्क एवं मूल्यांकन के आधार पर अपने व्यवहारों का औचित्य तय कर सकता है। मतलब कि तर्क संगत बातें करना, किससे क्या बातें करना है, किस कैसे बड़े लोगों से किस प्रकार से, छोटे लोगों से किस प्रकार से, कैसे लोगों से किस प्रकार से हमें बिहेव करना है, इसका भी साथियों व्यवहार का औचित्य वह स्वयं तर्क स्वयं जो है क्या तय कर लेता है। और अगर बात करें साथियों, तो वह सामाजिक आदर्शों तथा प्रत्याशाओं के साथ सामंजस्य एवं अनुरूपता भी रखना चाहता है। मतलब ये कि हर प्रकार के लोगों से, हर प्रकार के व्यक्ति से, हर प्रकार के समाज के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, अपने आप के सामंजस्य को भी वह दिखाने का प्रयास करता है। ठीक साथियों, ये क्या होती है, सामाजिक अनुरूपता की जो अवस्था होती है इसके अंतर्गत चीज़ें ये आती हैं। अब अगली अगर बात करें साथियों,
तो इसी में जो दो अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ा, कोहल बर्ग ने नैतिक विकास की जो दो तीन अवस्थाएं बताया उसमें दो अवस्थाओं को हम लोगों ने पढ़ा। पहली पूर्व नैतिक अवस्था, इसके अंतर्गत दो अवस्थाएं थी, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी थी अहं केंद्रितता की अवस्था, तीसरी स्तर, तीसरी साथियों अगर सॉरी अवस्था, तीसरे लेवल की बात करें तो पारस्परिक भूमिका का भूमिका अनुरूपता क्या स्तर, इसके अंतर्गत दो अवस्था थी साथियों, प्रशंसा की अवस्था इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना, दूसरी अवस्था थी सामाजिक अनुरूपता की अवस्था इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब तीसरे स्तर की बात करें साथियों तो तीसरा स्तर जो होता है वो आत्म स्वीकृत नैतिक सिद्धांत का स्तर होता है। क्या होता है तीसरे स्तर की हम बात करें साथियों, इसे आप लोग नोट करते जाइएगा और ख़ास तौर पे ये चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक, ख़ास तौर पे चीज़ें कैसी हैं ये समझने वाली हैं। तीसरी चीज़ है साथियों आत्म स्वीकृत, आत्म स्वीकृत नैतिक सिद्धांत का स्तर, नैतिक सिद्धांत का स्तर। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें साथियों आत्म स्वीकृत नैतिक सिद्धांत के स्तर की, तो इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि आत्म स्वीकृत इसके शब्द से ही पता चल रहा है साथियों। यह स्तर वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने विवेक एवं अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कार्य एवं व्यवहारों की वांछनीयता निर्धारित करता है। अर्थात यह स्तर जो होता है इसमें मैंने बताया कि आत्म स्वीकृति मतलब स्वयं की स्वीकृति, जिस कार्य में जिस चीज़ में मतलब किसी भी चीज़ में जब स्वयं की स्वीकृति हो जाती है तो उसी को साथियों आत्म स्वीकृति के नैतिक सिद्धांत का स्तर। अर्थात इस अवस्था में साथियों जो बालक होता है या व्यक्ति होता है वह स्वयं के विवेक एवं अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कार्य एवं व्यवहारों की वांछनीयता निर्धारित करता है। अगर वैसे बात करें साथियों तो इस स्तर तक कम ही लोग पहुंच पाते हैं, इसे भी दो अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, इसे भी दो अवस्थाओं में विभक्त किया गया साथियों। कौन कौन सी? पहली अवस्था बताई गई सामाजिक सहमति की अवस्था। क्या बताई गई? सामाजिक सहमति की अवस्था, सामाजिक सहमति की अवस्था। इसके अंतर्गत क्या कहा गया साथियों? जिस चीज में जिस कार्य में जिस चीज में जिस भाषा में जिस बोलचाल में जिस समाज में जिस संस्कृति में समाज की सहमति हो, समाज की क्या हो? सहमति हो, उसी को साथियों सामाजिक सहमति की मतलब आपके प्रत्येक कार्य में, आपके प्रत्येक कार्य में वो चाहे जैसा भी कार्य हो प्रत्येक कार्य में समाज की मोहर लगनी चाहिए, समाज की सहमति उसमें बनी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या कहा गया साथियों कि कोहलबर्ग ने क्या कहा साथियों कि वांछनीय व्यक्ति के विकास में विकास की इस पांचवी अवस्था में साथियों व्यक्ति की दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक हो जाती है। इसमें आत्मकल्याण के साथ साथ परामर्श की भावना जागृत हो जाती है। इसके अंतर्गत साथियों आत्मसम्मान के साथ साथ किसके साथ साथ इसमें साथियों आत्मकल्याण के साथ साथ परामर्श की भावना भी, लोगों से मैं अगर कोई कार्य कर रहा हूं तो मुझे लोगों से पूछना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूं या करने जा रहा हूं वह ठीक है या नहीं ठीक है, तो इसमें परामर्श की भावना भी आती है। साथ ही साथ साथियों इसमें सामाजिक व्यवहारों के प्रति गहरी आस्था भी बनने लगती है। सामाजिक व्यवहार जो होता है उसके प्रति भी हमारी आस्था जागृत होने लगती है। और अगर बात करें साथियों तो इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति यह मानने लगता है कि समूह समुदाय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति की भलाई के लिए स्थापित की गई हैं। क्या मानने लगता है साथियों? व्यक्ति कि जो समूह होता है समाज होता है, क्या होता है? समूह होता है, समाज होता है, समुदाय समुदाय तथा सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं जो साथियों स्थापित की जा रही हैं, ये सभी समूह जो है समाज है समुदाय है या सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सभी जो स्थापित की जा रही हैं साथियों, व्यक्ति यह मानने लगता है कि ये सभी व्यक्ति की भलाई के लिए, किसी न किसी व्यक्ति की भलाई के लिए ही इन सभी को स्थापित करने का काम किया जा रहा है, ठीक साथियों। व्यक्ति को उनमें
उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। इन सभी के साथियों प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान भी प्रदर्शित करना चाहिए, ऐसा मानकर कि ये सभी चीज़ें किसी न किसी व्यक्ति की भलाई के लिए ही स्थापित या करने का कार्य किया जा रहा है। इसी में साथियों जो इसकी दूसरी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था क्या होती है, विवेक की अवस्था होती है। किसकी? विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था साथियों, यह विवेक की अवस्था को इसके शब्द से ही, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि यह कैसी अवस्था है। जैसे जैसे साथियों हम बात करें तो कोहलबर्ग के अनुसार साथियों नैतिक विकास की यह आखिरी अवस्था मानी जाती है। यह जो अवस्था होती है विवेक की अवस्था, यह नैतिक विकास की, नैतिक विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है, अंतिम अवस्था मानी जाती है। कैसी अवस्था साथियों? अंतिम अवस्था मानी जाती है। इसमें व्यक्ति नैतिकता के विकास के लिए सामाजिक मान्यताओं के अतिरिक्त साथियों व्यक्तिगत मान्यताएं भी विकसित करने लगता है। सामाजिक मान्यताएं तो विकसित करता ही करता है व्यक्ति, लेकिन व्यक्तिगत मान्यताओं को भी क्या करता है, विकसित करता है। व्यक्तिगत मान्यताओं का मतलब यह है कि खुद का अनुभव, खुद का एक्सपीरियंस जो है उसे भी वह क्या करता है, विकसित करने का काम करता है। साथ ही साथ साथियों वह विवेक तथा अंतरात्मा की आवाज़ से नैतिकता तथा स्वरूप निश्चित करना चाहता है। यदि मान्यताएं तथा विवेक में अंतर है तो वह तनाव की स्थिति में आता है। जैसे अगर बात करें तो समाज में जाति प्रथा की मान्यता है, यदि कोई उसे उचित नहीं मानता है तो वह उसका अपना विवेक है, इसका विरोध कर सकता है, परंतु ऐसा करने वाले कम ही लोग हैं, ऐसा कोहलबर्ग ने बताया। ठीक साथियों, ये सभी अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने, तो साथियों अगर बात करें तो ये जो उपर्युक्त विवेचन थे साथियों, ये सभी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इसका कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत हम लोग करते हैं, इसका कुछ क्या करते हैं, निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि वांछनीय व्यवहार का विकास क्रमिक रूप में होता है। पहला निष्कर्ष यह निकला, ये अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जो छह अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ा, तीन स्तर में विभाजित करके छह अवस्थाओं को हम लोगों ने पढ़ा, इससे कुछ निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला साथियों? निष्कर्ष निकला कि वांछनीय व्यवहार का विकास, कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकला साथियों? निष्कर्ष यह निकला कि वांछनीय व्यवहार का विकास क्रमिक रूप में होता है। नोट करते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से छूट नहीं सकता अगर आप पूरी क्लास लेते हैं तो, इसकी गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जितना डीपली पढ़ा रहा हूँ इतना डीपली आपको मिलेगा नहीं जल्दी। ठीक, दूसरा साथियों निष्कर्ष क्या निकलता है कि वांछनीय व्यवहार के विकास में वांछनीय व्यवहार के विकास में तर्क एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तर्क एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक साथियों, अगला निष्कर्ष क्या निकला, कुछ निष्कर्ष है मैं नोट करता हूं यहां पे, नैतिक विकास में विचारणशीलता व्यक्तिगत एवं परिवेशीय कारणों से पाई जाती है, व्यक्तिगत एवं परिवेशीय कारणों से पाई जाती है,
पाई जाती है। अगली बात करें अगर साथियों, अगला निष्कर्ष क्या निकलता है, नैतिक विकास की उच्चतर अवस्थाओं तक नैतिक विकास की उच्चतर अवस्थाओं तक कम ही लोग पहुंच पाते हैं। अगला होता है साथियों, अगला निष्कर्ष क्या निकला कि नैतिक विकास की प्रत्येक क्रमिक अवस्था में साथियों क्या होता है, व्यवहार परिमार्जित होता है। व्यवहार क्या होता है साथियों, परिमार्जित होता है। अगला और अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है साथियों, निष्कर्ष यह निकला कि नैतिक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक हैं। तथा साथियों क्या होता है, व्यक्ति को नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरना पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने साथियों कोहलबर्ग के जो भी सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोगों ने 3 स्तरों के 6 अवस्थाओं में पढ़ा, उसका कुछ यह निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला साथियों कि नैतिक विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। क्या नैतिक विकास की साथियों, विवेक जो होता है यह नैतिक विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। इसका निष्कर्ष क्या निकला साथियों कि वांछनीय व्यवहार का जो विकास होता है वो कैसा होता है, क्रमिक रूप से होता है। अगली बात करें साथियों, निष्कर्ष यह आया कि वांछनीय व्यवहार का विकास में तर्क एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या साथियों, तर्क एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है नैतिक विकास में। साथियों विचारणशीलता व्यक्तिगत एवं परिवेशी होती है। जो विचारणशीलता होती है साथियों वो व्यक्तिगत तो होती ही है, साथ ही साथ हमारा परिवेश, हमारा समाज, हमारा रहन सहन, हमारे जो गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, उनका क्या हिसाब किताब है, कैसे हमसे बोलते हैं, बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उठते हैं, इन सभी परिवेश कारणों से ही क्या नैतिकता का विकास होता है। अगला निष्कर्ष क्या निकला कि नैतिक विकास की जो उच्चतर अवस्था होती है, उच्चतर अवस्था तक कम ही लोग पहुंच नैतिक विकास की साथियों उच्चतर अवस्था तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। ठीक, अगला निष्कर्ष क्या निकला 5वां नंबर कि नैतिक विकास की साथियों प्रत्येक क्रमिक अवस्था में क्या होता है, व्यवहार परिमार्जित होता है, व्यवहार जो है बदलता रहता है। प्रत्येक जो क्रमिक अवस्थाएं होती हैं, सभी क्रमिक जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे जैसे क्रमिक अवस्थाओं में पहुंचता है व्यक्ति, तो उनका साथियों व्यवहार क्या होता है, बदलता भी रहता है। अगली बात क्या है, अंतिम निष्कर्ष निकला साथियों कि नैतिक विकास के प्रतिमान में साथियों नैतिक विकास का जो प्रतिमान है वह साथियों क्या है, सार्वभौमिक है, और साथ ही साथ व्यक्ति को नैतिक विकास की क्या प्रत्येक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। व्यक्ति को अगर साथियों नैतिकता सीखना है तो व्यक्ति को नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्थाओं से क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक अवस्थाओं से अपने आप को गुजारना भी पड़ेगा। ठीक साथियों, अब इसका साथियों अगर मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन करके क्या निकलता है, कोहलबर्ग जी क्या कहते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अगर मूल्यांकन करें साथियों
तो मूल्यांकन करने के बाद क्या निकलता है इसे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मूल्यांकन करने के बाद क्या पाया गया साथियों, इसे आप लोग नोट करिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं। मूल्यांकन करने के बाद क्या मिला साथियों, इन सभी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद क्या मिला साथियों, यह पाया गया कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की अनुभविक जांच भी की गई। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है साथियों, उसका अनुभविक क्या अनुभविक जांच भी की गई। कोहलबर्ग के सिद्धांत का अनुभविक जांच भी की गई। अर्थात अनुभव के हिसाब से जांच किया। अनुभविक जांच का मतलब अनुभव के हिसाब से चीजों को क्या किया गया, परखा गया। अगला मूल्यांकन निकलने के बाद यह आया साथियों कि वाकर ने क्या कहा, उदाहरण के लिए वाकर ने क्या कहा। वाकर एक है साथियों, क्या है, मनोवैज्ञानिक है। वाकर जी क्या कहते हैं, इनका मत है साथियों कि साथियों के साथ अंतःक्रिया का नैतिक विकास पर प्रायः अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गलती किए जाने की दशा में साथीगण एक दूसरे को रोकते हैं या विचार परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। इनके कहने का मतलब यह है साथियों कि साथियों के साथ क्या, साथियों के साथ जो अंतःक्रिया होती है साथियों, अंतःक्रिया का जो नैतिक विकास होता है वह प्रायः अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथियों के साथ जो हम अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा व्यवहार करेंगे, उस नैतिक व्यवहार करेंगे, उसका सकारात्मक व्यवहार क्यों पड़ता है, सकारात्मक व्यवहार पड़ने का रीजन यह होता है कि जो साथी गण होते हैं, अगर अच्छा काम है तो वो हमें करने के लिए प्रेरित करते हैं, अगर बुरा काम होता है तो वो हमें सही रूप से बिल्कुल फ्रेंडली मित्रवत होके चीजों को हमें वो बताने का कार्य करते हैं कि ये कार्य करना उचित होगा या अनुचित होगा। ठीक साथियों, अगली बात क्या निकली साथियों मूल्यांकन करने के बाद, अगली बात यह निकली कि इसके विपरीत एकतरफा प्रौढ़ों का सुझाव उतना प्रभावी नहीं पाया जाता। नैतिकता के अगर विपरीत बात करें तो जो प्रौढ़ावस्था में पहुँचे हुए व्यक्ति होते हैं, प्रौढ़ावस्था में जो पहुँचे हुए व्यक्ति होते हैं उनका साथियों जो सुझाव होता है वो उतना प्रभावी नहीं पाया गया। इसी प्रकार अगर अगली बात करें साथियों, तो यदि माता पिता बच्चों के प्रति अनुकूल एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर नैतिकता को अंगीकार करने की बात करते हैं तो इसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इनके कहने का मतलब निष्कर्ष यह निकलता है साथियों, क्या निकलता है मूल्यांकन करने के बाद, कि माता पिता का जो व्यवहार होता है, बिहेव होता है, बच्चों के प्रति कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि मित्रवत पेश आना चाहिए। जैसा कार्य जैसा टाइम उस हिसाब से माता पिता को अपने बच्चे के प्रति साथियों उन्हें अपने आप को पेश करना चाहिए। अगर कोई वर्क है तो वर्क करते समय साथियों मित्रवत, कोई अगर सलाह लेनी है, कोई बातचीत करनी है, कोई नया काम करना है तो भी मित्रवत उनके साथ पेश आना है। कोई अगर अच्छा बुरा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, बुरा कार्य अगर कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे समझाते हुए डांटना चाहिए, डांटते हुए समझाना चाहिए, समझाते हुए डांटना चाहिए। ये नहीं कि बस उठा लिए डंडा और पिटाई करना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डांटते हुए समझाना चाहिए साथियों। ठीक साथियों, ऐसा उन्हें माता पिता को अपने बच्चे के प्रति व्यवहार करना चाहिए। ठीक, मतलब ये कि समय को देखते हुए कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, कैसा कार्य है, इस प्रकार से हमेशा माता पिता को, प्रत्येक माता पिता को इस प्रकार से अपने बच्चे के प्रति पेश आना चाहिए। नहीं तो फिर बच्चा बिगड़ने का, आजकल बच्चों के बिगड़ने का मेन कारण यही है कि गार्जियन नहीं रहे हैं जिस प्रकार से पेश आना चाहिए। ठीक, फ्रेंडली पेश आना चाहिए किसी भी गार्जियन को। अब अगर साथियों आलोचना की बात करें, ये तो मूल्यांकन हुआ, अब अगर आलोचना की बात करें, किसकी आलोचना की अगर बात करें साथियों, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के इस आधार पर विशेषकर आलोचना भी की जाती है। किसके अनुसार साथियों, नैतिक प्रतिमान सार्वभौमिक होते हैं जबकि इस पर सांस्कृतिक असमानता का अस्पष्टता प्रभाव पड़ता है। आलोचना क्या हुई साथियों, आलोचना यह हुई कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के आधार पर आलोचना क्या हुई साथियों कि नैतिक प्रतिमान सार्वभौमिक होते हैं, नैतिक प्रतिमान सार्वभौमिक होते हैं,
सार्वभौमिक होते हैं। और अगर बात करें साथियों, जबकि इस पर सांस्कृतिक असमानता का अस्पष्टतः प्रभाव पड़ता है, ठीक साथियों, ये क्या निकला? आलोचना की गई, ठीक, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था उसमें। अगली आलोचना क्या की गई साथियों? अगली आलोचना की गई कि सभी संस्कृतियों में नैतिकता में काफी समानता पाई जाती है। सभी संस्कृतियों में नैतिकता में काफी समानता पाई जाती है। जबकि अगर बात करें साथियों, इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं, जबकि अंतर भी पाया जाता है, तथापि अंतर भी पाया जाता है। अगली अगर बात करें साथियों, तो एक आलोचना और हुई। क्या आलोचना हुई? अगली आलोचना यह हुई साथियों कि क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में असमानता भी पाई जाती है, असमानता भी पाई जाती है। ठीक साथियों, विभिन्न संस्कृतियों में क्या असमानता भी पाई जाती है। तो साथियों, ये हम लोगों ने कोहलबर्ग, जेन पियाजे और वाइगोत्स्की के थियोरी को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया साथियों, पढ़ने का काम किया बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ, ठीक साथियों, बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग कल के क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है साथियों, पिछले एग्जाम में जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों, उन क्वेश्चनों को मैं आज सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कुल, या तो फिर जो पिछले एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट का, चाहे सुपर टेट का, जिस भी एग्जाम में जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न, कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न साथियों, जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, वहां से क्वेश्चन को मैं कलेक्शन करूंगा, या तो जो उन क्वेश्चनों को भी मैं ले आऊंगा जो बार बार क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया इस चैप्टर से रिलेटेड जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कल की क्लास में हम लोग आएंगे, 10-15-20-25 जितने क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चनों को हम लोग अभी फिलहाल करने का काम करेंगे। कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथियों क्वेश्चनों को, और क्वेश्चनों को यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विधिवत लिखते हुए, जैसे अभी तक हम लोगों ने करते हुए आया है, ठीक साथियों। उसके बाद परसों की क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, नए चैप्टर को शुरू करने का काम करेंगे। दिसंबर के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोगों का सिलेबस 100% हिंदी और बाल विकास दोनों का अच्छे से विधिवत तरीके से जैसे पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते हुए हम लोग खत्म करेंगे, ठीक साथियों। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, क्लासों को आपकी जो सोशल मीडिया पेट है प्रत्येक जगह, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ जहाँ आपकी सोशल मीडिया पेट है, प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग साथियों शेयर करने का भी काम किया करिए, जिससे कि आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल अन्य विद्यार्थियों की भी मदद कर सके, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक साथियों। साथ ही साथ साथियों, अगर आप लोगों का कोई डाउट है
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, उसके बाद साथियों मैं ये कहूँगा कि अगर आपका साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पर नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों मैं ये भी कहूंगा कि क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, विधिवत अच्छे से अपनी एकदम जबरदस्त तरीके से नोट्स बनाइए कि जब भी आप पढ़ें साथियों तो आपकी नोट्स आपके काम आ जाए, इतने डीपली फिर मिलेगा नहीं आपको कहीं साथियों। ठीक, एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूट जाएगा तो आप जो कहेंगे सो, ये मेरा दावा है। ठीक, बस आप लोग अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए, क्लासों को आप लोग अच्छे से लिया करिए, शुरू से लास्ट तक देखा करिए। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।